यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। नमस्कार, बड़ी बात में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। और मैं कमल कौशिक। आज बात करेंगे हरियाणा की और हरियाणा के दलितों की, जहां 120 दलितों ने धर्म परिवर्तन कर लिया है। 113 दिनों से ये लोग धरने पर थे। आरोप ये है कि सरकार ने मांगे मानी, मांगों पर सहमति बनी, लेकिन उसके बावजूद मांगों को पूरा नहीं किया गया, जिसके चलते ये कदम उठाने को मजबूर हुए। जी हां, दलितों की ओर से ये बड़ा कदम उठाया गया है और मामले पर सियासत भी अब तेज हो चली है। लेकिन सवाल यही है कि मांगे मनवाने का ये तरीका कितना सही है। दलित के दर पर कल तक नेता दो रोटी खाने के लिए टकटकी लगाए बैठे थे, वही दलित आज जींद में धर्म परिवर्तन कर रहा था और सत्तासीन कह रहे थे कि मांगे मनवाने का ये तरीका सही नहीं है। लोग तो धर्म के लिए अपना सर भी कटा लेते हैं। देखिए, ये कोई वाजब तरीका नहीं है अपनी बात कहने का। आंदोलन होते हैं, सरकार बात भी सुनती है और जो वाजिब बातें होती हैं सरकार उसको माना भी करती है। कई बार अविलंब भी हो जाता है, लेकिन केवल इसी आधार के ऊपर अपना धर्म बदल लेना ये ठीक बात नहीं है। आदमी को अपने धर्म का पक्का होना चाहिए और धर्म तो लोगों ने सर कटवा दिए और धर्म नहीं बदले। चलिए आपकी ही बात को बड़ा करते हैं और मान लेते हैं कि लोग धर्म की रक्षा के लिए सिर तक कटा लेते हैं, तो जरा सोचिए उन दलितों पर क्या बीती होगी जो धर्म परिवर्तन करने को मजबूर हुए। ऐसी क्या मजबूरी रही होगी, बताना तो आपको ही पड़ेगा, क्योंकि सरकार में आप हैं। दलितों के घर खाना खाने भी आप ही जा रहे हैं, फिर भी अगर आप कह रहे हैं कि किसी को कोई भी धर्म मानने की आज़ादी है, तो धर्म परिवर्तन के पीछे की वजह को भी समझने की जरूरत है। ठीक है भाई, धर्म परिवर्तन तो आजादी है। ये सिख धर्म में भी लोग 300 साल पहले गए थे, बौद्ध धर्म में 1000-2000 साल पहले गए थे, आर्य समाज में भी 150 साल पहले गए थे। तो ये तो प्रजातंत्र में स्वतंत्रता है धर्म की सोच करने की, अपनी बात करने की। जिन 120 दलितों ने धर्म परिवर्तन किया, वो मात्र 113 दिनों से धरने पर बैठे थे। इससे पहले उनका एक डेलीगेशन सीएम से भी मिला था। सीएम ने मांगे मान भी ली थी, देरी के लिए खेद जताया था, लेकिन बावजूद इसके दलित डटे रहे, धरना जारी रहा और एक हफ्ते का सरकार को अल्टीमेटम दे दिया। और जब सीएम जींद आकर भी दलितों से नहीं मिले तो धर्म परिवर्तन कर लिया। 20 मई को जिस दिन हमारा यहाँ पे प्रदर्शन था, तो उस दिन हमने अनाउंस किया था अगर सीएम साहब ने एक हफ्ते के अंदर हमारी मांगे पूरी नहीं की तो मजबूरी में दलित परिवारों के साथ कमेटी के लोग भी धर्म परिवर्तन कर लेंगे दिल्ली में जाकर के। और जैसे ही 26 और 27 मई को सीएम साहब जींद में आए, उन्होंने किसी से हमारी कमेटी के मेंबर से मिलने का समय नहीं दिया। इस कारण हमने 27 मई को जींद से दिल्ली के लिए पैदल यात्रा शुरू की और दिल्ली में हरियाणा भवन पर जाकर हमने ज्ञापन पत्र सौंपा और फिर दिल्ली के अंदर ही लद्दाख भवन में जाकर के हमने चार पीड़ित परिवारों के साथ में और सैकड़ों लोगों ने धर्म परिवर्तन कर लिया। दलितों की मांग थी कि झांसा गैंगरेप की सीबीआई से जांच कराई जाए, ईश्वर हत्याकांड के पीड़ित परिजनों को नौकरी दी जाए, जम्मू में शहीद हुए दलित के परिवार को नौकरी दी जाए, SC ST एक्ट में अध्यादेश लाया जाए। सवाल इनमें कई है। सरकार जो खुद को भी दलितों का हितैषी बताती है, उसको बताना चाहिए कि दलित 113 दिनों से धरने पर क्यों थे, उन्हें इतना क्यों मजबूर किया गया कि धर्म ही बदलना पड़ा। क्या दलितों के घर सरकार के मंत्री से लेकर संतरी तक सिर्फ खाना खाने जा रहे हैं, उनके कल्याण के लिए कुछ नहीं हो रहा? और पूछा तो दलितों से भी जाना चाहिए कि क्या आप धर्म परिवर्तन से डराकर सरकार को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं? क्या आपके पास यही एक रास्ता बचा था? बेशक हमारा देश धर्म निरपेक्ष देश है, किसी भी धर्म को मानने की सबको आजादी है, लेकिन मांगे पूरी ना होने पर, धर्म बदलने पर जितना बड़ा सवाल धर्म परिवर्तन करने वालों पर है, उससे भी बड़ा सवाल धर्म परिवर्तन कराने वालों पर। जिनसे DS अहलावत के साथ स्पेशल डेस्क, खबरें अभी तक।
जी, ऐसे में सवाल उठता है कि आखिरकार ये दलित दमन है या फिर दबाव की राजनीति। एक तरफ तो ये भी सवाल उठता है कि 113 दिनों तक प्रशासन या सरकार ने क्यों इन दलित समुदाय के लोगों की सुध नहीं ली। दूसरी तरफ ये भी सवाल है कि किस तरह की ब्लैकमेलिंग ये की जा रही है कि धर्म परिवर्तन कर रहे हैं और दूसरी तरफ सरकार पर दबाव बना रहे हैं। बिल्कुल, दबाव बनाए जाने की कोशिशें हैं या फिर वाकई दमन हो रहा है, और जो मांगे हैं वो कितनी ठीक हैं, मांगे बनवाने का ये तरीका कितना ठीक है, इसको लेकर चर्चा करेंगे। एक खास पैनल हमारे साथ है, हरियाणा बीजेपी की ओर से हमारे साथ संजय शर्मा जी हैं, साथ ही कांग्रेस से हमारे साथ रंजीता मेहता जी हैं, इनेलो से प्रवक्ता हमारे साथ जोगीराम जी हैं, और दलितों का भी पक्ष जानेंगे हम कि क्या कुछ दिक्कतें रखी। विजय कुमार जी हमारे साथ हैं, बहुत स्वागत है आप सभी का। और पहला सवाल हम सरकार से करेंगे, संजय शर्मा जी, क्यों 113 दिनों तक इनकी मांगे नहीं सुनी जाती और क्यों ये लोग मजबूर हो जाते हैं कि धर्म परिवर्तन करवाना इनको पड़ जाता है। देखिए ज्योति जी, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है जिस तरह का ये घटनाक्रम हुआ है। वैसे तो हर व्यक्ति को संविधान के अंदर स्वतंत्रता मिली है, कुछ भी वो करे जी। लेकिन जिन मुद्दों को लेकर के ये बातें उछाली जा रही हैं, जिस तरह की बातें की जा रही हैं, या ये धर्म परिवर्तन की तथाकथित जो ये हुआ है घटनाक्रम, मुझे लगता है कि उन मांगों में से ज़्यादातर मांगों के प्रति सरकार संवेदनशील है, सरकार ने मान ली है। अब जो उन्होंने बातें उठाई कि SC ST एक्ट को उसके मूल रूप में तुरंत संसद में अध्यादेश, देखिए सरकार ने जो आदरणीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय एक आया, उस निर्णय के खिलाफ पुनर्विचार याचिका देश की सरकार ने डाल दी है। वो मुद्दा वहां पर चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में ये मसला है, तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। दूसरी बात है कि 2 अप्रैल की जो घटनाक्रम हुआ, उसमें जो केस दर्ज हुए, उसके लिए भी सरकार उस सबको जांच रही है कि इसके खिलाफ किस तरह का मुकदमा दर्ज हुआ, गलत हुआ, ठीक हुआ, उसके लिए भी केंद्र सरकार लगी हुई है। ऐसे जो 10 मांगे हैं, जैसे ईश्वर सिंह हत्याकांड के बारे में नौकरी देने की बात थी, उसमें अनुबंध के आधार पर नौकरी दे दी गई है, और CBI के आदेश भी जांच देने की जो बात है, उसमें कोई ऐसा मुद्दा बनता नहीं कि CBI के हो। झांसा का जो मामला है गैंगरेप का, उसके अंदर जो भी 3 तरह की जांच रिपोर्टें उसके अंदर आई हैं, तीनों तरह की जांच रिपोर्ट में यह आया है कि ये इस तरह का कोई मामला ना गैंगरेप का है ना हत्या का मामला है, तो उसको मुझे लगता है कि आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। प्रथम दृष्टया ऐसी और भी बहुत सी चीजें हैं, मैं एक एक पे चर्चा कर सकता हूं। विजय कुमार जी, बिल्कुल यही सवाल मेरा है, ऐसी कौन सी मांग थी जिसको लेकर धर्म परिवर्तन करवाना पड़ जाए, जिसको लेकर लगे कि सरकार तो मानने के मूड में ही नहीं है, बताइए। देखिए पूरे देश की अगर बात करें तो धर्म परिवर्तन कोई नया मुद्दा नहीं है, और ये धर्म परिवर्तन नहीं है। अगर इस चीज को हम धर्म परिवर्तन कहते हैं तो धर्म परिवर्तन कदाई नहीं है। धर्म परिवर्तन की अगर हम बात करें तो कोई भी व्यक्ति जो है, बुद्धिज्म जो है वो कोई धर्म नहीं है, वो एक धम्म है। धम्म एक रास्ता है जिसके तहत आप लोग अपनी जो प्रक्रियाएं हैं, अपने जो जीवन जीने की जो विचार हैं, उनको आत्मसात करते हैं। धर्म परिवर्तन का केवल इसको मुद्दा बनाया जा रहा है कि धर्म परिवर्तन हुआ है, इस चीज को हमें समझना पड़ेगा। देखिए जो अल्टीमेटम दिया गया था, सीधे तौर पर चेतावनी दी गई थी कि मांगे मान लीजिए, ये धम्म है या फिर धर्म है, ये बड़ा विषय हो सकता है, विस्तार से चर्चा की भी पूरी गुंजाइश है, लेकिन इस बात का जवाब आप दीजिए, मांगे नहीं मानी गई तो बौद्ध धर्म को अपना लिया जाएगा, क्या ये तरीका ठीक है? और सवाल ये भी कि वो कौन सी मांगे थी जो आपको लगे कि सरकार तो मानेगी ही नहीं और अंतिम विकल्प यही है। देखिए झांसा का जो प्रकरण है, झांसा प्रकरण को लेकर लगातार जो है ये लोग, दिनेश खापड़ भाई वो लगातार जो है इस मुद्दे को लेकर जो कोर्ट परिसर है उसके बाहर बैठे हुए हैं, लगातार वो लोग जो हैं अपनी मांगों को लेकर बैठे हुए हैं, परंतु जो है सरकार उनको बुलाती है, चंडीगढ़ बुलाती है, चंडीगढ़ बुलाने के बाद उनसे बात नहीं करती है। लगातार जो है जो झांसा प्रकरण है, झांसा प्रकरण के साथ साथ जो ईश्वर सिंह आश्वासन है, विजय जी आश्वासन तो दिया गया था ना, आश्वासन, ये कब तक ये छलावे की राजनीति चलती रहेगी? केवल छलावा है इसमें, केवल मुद्दों को भटकाने के लिए, केवल मुद्दों को भटकाने के लिए बातें की जा रही हैं। झांसा गैंगरेप तथा कथित जिसको कहा जा रहा है, उसमें है क्या बताए तो सही। इसमें जब सरकार ने 3 तरह की रिपोर्टें, जांच रिपोर्ट उसमें आ सकी, और किसी भी जांच रिपोर्ट में ये विषय आया ही नहीं कि वहां कोई गैंगरेप हुआ है, जब कोई विषय ही नहीं आया इस तरह का, मुझे लगता है एक साधारण सा सवाल ये भी होता है विजय जी, क्या यही तरीका है मांगे मनवाने का? देखिए मुझे लगता है कि जब आपकी मांगे नहीं मानी जाती हैं, तो मांगे न मानने के बाद आप धर्म परिवर्तन जो है एक रास्ता हो सकता है। 38,000 से ज्यादा जो घटनाएं हैं, ठीक है, दलितों जो शुरुआती तौर पर लगता है, रंजीता जी शुरुआती तौर पर लगता है कि दलितों की मांगे अगर नहीं मानी गई तो एक रास्ता ये है कि सरकार को चुनौती देंगे, लेकिन बाकी समुदाय फिर क्या करें? और फिर सवाल ये भी उठता है कि तरीका कितना ठीक है सरकार पर दबाव बनाने के लिए। देखिए आज ज्योति जो ये सब चीजें हो रही हैं, आज हमें वो जानने की जरूरत है कि ये हो क्यों रहा है। आप देखिए कि इतने लंबे धरने पर दलित समुदाय बैठा है और लघु सचिवालय के बाहर बैठा है, और वहाँ के जो केंद्रीय मंत्री हैं चौधरी वरिंदर सिंह, वो किस तरीके का अटपटा बयान देते हैं जब सब मीडिया वाले आज उनसे पूछते हैं। 9 फरवरी से लेकर 12 फरवरी तक इनके समुदाय वहाँ पर नॉर्मल हड़ताल करता है,
12 फरवरी से 6 मार्च तक वो भूख हड़ताल पे बैठता है। 23 दिन छोटे दिन नहीं होते, 23 दिन तक लगातार अगर एक समुदाय भूख हड़ताल पर बैठा है तो क्या प्रशासन सो रहा होता है? उसके बाद 7 मार्च को जाकर इनको वहां पर कोई सूद लेने के लिए आता है कि सीएम साहब आपको चंडीगढ़ बुला रहे हैं, आप आके उनसे मुलाकात कीजिए। और 8 मार्च को इनकी सीएम साहब से मुलाकात होती है और वो ये आश्वासन देते हैं कि हम आपकी पूरी की पूरी मांगे मांगते हैं, 10 से 15 दिन का हमें समय लगेगा, आप मेरे ओएसडी भूपेश्वर दयाल के साथ इन टच रहिए। क्या नई बात है? संविधान ने पूरा हक दिया है कि आप शांति से अपनी मांगे मनवाने की कोशिशें कर सकते हैं। कच्चे कर्मचारियों की बात कर ली जाए, बाकी महकमों की बात कर ली जाए, बाकी समुदाय की बात कर ली जाए, तमाम लोग सड़कों पर आते भी हैं, लेकिन सवाल यही उठता है कि ये तरीका कितना जायज है? ज्योति जी, क्या वो तरीका दलित समाज के सामने चूंकि ये विकल्प है तो इस विकल्प के जरिए सरकार पर दबाव बनाए जाने की कोशिश है? सवाल होता है कि इस पर राजनीति जायज है या नहीं, मुझे ये बताइए राजनीति कौन कर रहा है? पहले तो ये बात बता दीजिए, एक पर्टिकुलर समुदाय की बात हो रही है, अगर उस समुदाय के साथ कुछ गलत हो रहा है, वो शांतिपूर्ण तरीके से धरना दे रहा है, तो आपको पहले कार्यकाल का गोहाना कांड याद होगा, आपको दूसरे कार्यकाल का मिर्चपुर कांड याद होगा, आपको कैसे पैरोकार बन सकते हैं? जो कांग्रेस दलितों की पैरोकार कैसे बन सकती है? मुझे एक बात का जवाब दीजिए, एक जगह से दूसरी जगह प्लान करना एक बात है और अपना धर्म छोड़कर दूसरा धर्म अपनाना। आज इनके मंत्री अनिल विज का अपने बयान सुना होगा, उन्होंने क्या कहा है कि धर्म परिवर्तन करना हमारे यहाँ पे अपराध माना जाता है और इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता। अगर एक समुदाय 120 लोग कम नहीं होते, विजय कुमार जी, क्या आपको लगता है कि गोहाना कांड या मिर्चपुर कांड इतना बड़ा नहीं था? धर्म परिवर्तन पर ही सारी चीजें आकर नहीं, मैं आपको ऊपर बयान दिया दलितों के ऊपर हो रहे हर तरह के उत्पीड़न का, मैं मानता हूं कि हर तरह का उत्पीड़न जो है वो गलत हो रहा है। लगातार इस तरह की घटनाएं, चाहे वो कांग्रेस का कार्यकाल रहा हो चाहे बीजेपी का कार्यकाल रहा हो, दलितों के ऊपर अत्याचार जो है वो हर रोज बढ़ते जा रहे हैं। मैं कल की ही घटना आपको बता दूं कि जींद में देवरड़ गांव है, देवरड़ गांव के जो लोग हैं वहां की जो महिलाएं हैं वो 3-3 किलोमीटर से पानी लेकर आते हैं। ये दलित उत्पीड़न का एक छोटा सा उदाहरण मैं आप लोगों को बता रहा हूं। वहीं दूसरी तरफ बात करें कि आप लोगों ने कहा कि भाई धर्म परिवर्तन कोई रास्ता नहीं है, परंतु पानी लेकर आना शोषण है। शोषण नहीं तो क्या है? शोषण नहीं तो क्या है? बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहां पानी की किल्लत है। देखिए, पानी की किल्लत होना एक अलग चीज है, परंतु संसाधनों और जो मेजर सोर्सेज हैं पानी के, उनके ऊपर किसी एक समुदाय विशेष का कब्जा होना एक अलग विषय है। तीसरी बात उदाहरण बताना चाहता हूं, भारतीय संविधान जो है, कुर्सी टेबल भी नहीं मिलता इस देश में, दलित समुदाय के लोगों को कुर्सी टेबल भी नहीं मिलता है, कुएं का पानी नहीं मिलता है उन्हें, बहुत से उदाहरण है। विजय जी, जोगीराम जी आपके पास आना चाहेंगे, क्या लगता है कि जब मांगे नहीं माननी तो आश्वासन क्यों देती है सरकार? देखिए, सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि भी ऐसा ही इंस्टांस होना, लेकिन सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि संवेदनशीलता न होना बीजेपी सरकार में। मतलब हर एक मुद्दे पे क्या होता है कि ये एक टाइम देते हैं, आश्वासन देते हैं, भाई आप आश्वासन तब दीजिए अगर आपने पूरा करना है। अगर आप आश्वासन को पूरा नहीं करेंगे तो पहले ही आप बोल दीजिए कि ये काम नहीं होने वाला है, तो इतनी बड़ी समस्या ना होती, ना आती, ना मुश्किल आती। इनका काम ही ये है कि कोई भी संगठन जाए, कोई भी किसी तरह का कोई मिले इनको, कर्मचारी संगठन लगा लो, कोई आश्वासन सभी को देंगे। जाट आरक्षण का जो मुद्दा है, उन्होंने 20 बार इनको आश्वासन दे लिया, काम कुछ नहीं हुआ। बाद में अभी इन्होंने क्या मुद्दा उठाया कि भी वो कोर्ट में जाके लड़े ताकि लड़ाई फिर शुरू हो जाए। अभी बड़ी मुश्किल से शांति हुई है, फिर दोबारा शुरू हो जाए। देखो, ये मुद्दा वो जान सकते हैं जिनका आपसे मेल रहा हो, जिन्होंने भुगता हो। हमारी पार्टी में जननायक ताऊ देवीलाल जी इस बात को समझते थे, उन्होंने हर बार दलित समुदाय हो या एससी बीसी एसटी जो भी हो उनके बारे में सोचा कि भाई इनकी पंचायत धर्मशालाएं बनाई जाए, पंचायत घर बनाए जाए, बच्चों का दिया जाए, पेंशन दी जाए, ये सबसे पहला पॉइंट उन्होंने बताया। और ये सबसे पहले जो मेल जोल की, एक मिनट मेरे को चाहिए, बस एक मिनट में चाहूंगा, चलिए बोलिए। कांग्रेस ने हमेशा इनका मिसयूज किया है। जो जनता रूल में बने, जगजीव राम जी उसमें बने हैं, जितने मंत्री बने हैं चौधरी देवीलाल जी के टाइम में, चलिए राम जी लगा लो, आप दूसरे नेता लगा लो, जितने मंत्री इस मुद्दे पे बात करते हैं। बीजेपी पर कोई सवाल ही ना उठे, बीजेपी के वक्त में तो राष्ट्रपति वो हैं जो दलित समुदाय से आते हैं, फिर बीजेपी तो हितैषी है इस लिहाज से।
अगर मंत्री संतरी बना दिए जाने से हितैषी हो जाती है तो बीजेपी सबसे बड़ी हितैषी हो गई इस कायदे से। बोली रंजिता जी। ज्योति ही बताना चाहती हूँ कि जब भूपेश्वर दयाल से इन टच होने के लिए कहा गया 2 अप्रैल के बाद ओएसडी सीएम साहब की जो भूपेश्वर दयाल है उन्होंने भी इनसे संपर्क खत्म कर दिया। पूरा अप्रैल का महीना इन्होंने इंतजार किया, पूरा मई का महीना इंतजार किया, तो सरकार किस बात का इंतजार करती है? जब कोई अपना मुंडन करवा लेती है महिला, जब कोई अपना धर्म परिवर्तन कर लेता है या फिर सड़कों पे आकर आंदोलन करती है, ऐसी मजबूरी, ऐसी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बार बार हरियाणा में क्यों लाई जाती है? ये बहुत बड़ा, ये बहुत बड़ा सवाल है। सवाल भी ले लीजिए। 113 दिन बहुत होते हैं सर, अगर कोई सब्र करे, सब्र का बांध टूटता है, परिवर्तन करता है, और ये एक तरह से धक्का है। मुझे पता तो लगे किस आधार पर ये धर्म परिवर्तन, जो धम कह रहे हैं, ये धर्म परिवर्तन क्यों हुआ? आपको पता तो लगे किस मुद्दे पे सरकार ने हामी नहीं भरी, किस मुद्दे पे सरकार ने नहीं पूरा किया? ये जो आ रहे हैं, नहीं नहीं, वो ये भी कहते हैं कि घोषणाएं सरकार ने की है, ये भी उन्होंने मना नहीं करते हैं, जिसके आधार पर इन्होंने किया। मुझे बताए तो सही कि सरकार ने किस बात को नहीं माना, कौन सा ऐसा मुद्दा है जिसके आधार पर नहीं है? मुझे कांग्रेस के, देखिए मुझे कांग्रेस, पहले पहले एक बात, मुझे नहीं मेरी बात पूरी तो मुझे तो बोलने का मौका नहीं दे रहे आप इनको इतना टाइम। बोलिए बोलिए बोलिए। मुझे हैरानी होती है कि कांग्रेस के लोग भारतीय जनता पार्टी की तरफ उंगली उठाते हैं। वो लोग 1956 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर महानिर्वाण होने के बाद भी बचाएंगे कि नहीं बोलने के लिए? अगर मुझे बोलने नहीं देंगे तो मुझे बुलाया क्यों गया यहाँ? बोलिए बोलिए। मैं किसी के बारे में नहीं बोलता। देखिए 1956 में महानिर्वाण, ये 1956 की बात, सुन तो लीजिए ना, 1956 की बात, आपको आपने जब मेरा आरोप लगाए मेरी पार्टी का आरोप, देखिए आप इस बारे में नहीं करिए सवाल, ये है कि मुझे बात तो कहने दीजिए, मुझे बात तो कहने दीजिए। अंबेडकर जी को भारत रत्न 1990 तक नहीं दिया गया, कांग्रेस का शासन आज देश के अंदर 1990 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो कि डीपी सिंह ने दिया, भारतीय जनता पार्टी का 1990 में दिया, डीपी सिंह की सरकार में दिया भारत रत्न, कांग्रेस ने कभी नहीं दिया। वो कांग्रेस हमारे ऊपर आरोप लगा रही है जिनकी, सुनिए, पहली बार कोई प्रधानमंत्री उनके स्थल पर गया है तो वो नरेंद्र मोदी है ना, नेहरू गया वहाँ पर, ना इंदिरा गांधी जी वहाँ पर गई है। ये बात करते हैं इस तरह की, ये दिलत हितैषी होने की बात करते हैं, जो कुछ नहीं किया, जहाँ जहाँ आपकी सरकार बनती है वहाँ वहाँ की हालत है। संदेश शर्मा जी, एक और मेहमान हमारे साथ चर्चा में जुड़े हैं, फोन लाइन पर हैं, दिनेश खापर जी हैं, आपको सुनवाया भी क्या कुछ उनकी ओर से कहा गया, अभी स्वागत है आपका चर्चा में। साथ ही संजय शर्मा जी की ओर से सवाल ये किया गया कि वो कौन सी मांगे थी जिनको सरकार ने नहीं सुना, आप लोगों ने धर्म परिवर्तन कर लिया, बताइए दिनेश जी, सुन पा रहे मुझे आप? जी जी मैडम जी। वो कौन सी मांगे थी जिनके ना माने जाने के चलते आप लोगों ने इतना बड़ा फैसला लिया? बीजेपी का सवाल आपसे। मैडम जी देखिए, जितनी भी हमारी मांगे थी, हम 9 फरवरी से उन मांगों को लेकर के जेल में बैठे हुए हैं, और वो ये मांगे हैं जो सरकार ने पहले मंजूर की हुई है। मंजूर करवाने के लिए तो हम लोगों ने धरना लगाना पड़ा था, अब लागू करवाने के लिए फिर इतना लंबा संघर्ष कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, देखिए एक एक करके बताएंगे, दर्शकों को आसानी रहेगी। वो कौन सी मांग थी जिसको सरकार ने कहा नहीं मानेंगे, और सरकार के ये कहे जाने के बाद आप लोगों ने इतना बड़ा कदम उठाया, बताइए। मैडम जी, इसमें ईश्वर सिंह हत्याकांड का एक मामला है, उसके अंदर सीबीआई की जांच की मांग थी, परिवार को नौकरी की मांग थी, आर्म लाइसेंस की मांग थी, कुल मिला के 8 मांगे थी अभी तक इसमें। जो नौकरी सरकार ने आपको आश्वासन दिया इन मांगों को, नहीं, हमने लाइसेंस जारी कर दिया, आर्म लाइसेंस, संजय जी, आर्म लाइसेंस जारी कर दिया, जो मांग वो कर रहे हैं। संजय जी, नौकरी सरकार ने दे दी। दिनेश जी, क्या आपको आश्वासन मिला था सरकार की ओर से सभी मांगों पर? जी जी, ये सारी की सारी मांगे जितने भी पीड़ित परिवार हैं सभी मांगे। संजय शर्मा जी कह रहे हैं लाइसेंस मिला है कि नहीं मिला है? लाइसेंस भी दे दिया गया है, उसके बावजूद भी आप क्यों ये मांग रख रहे हैं? सर सुनिए, अभी जितनी टोटल मांगे उनका परसेंटेज आप निकाल लीजिए, कितनी मांगे परसेंटेज नहीं है, एक पर चर्चा करने के लिए तैयार हूँ मैं। दिनेश जी, आप 10 मांगे हैं आपकी, 10 की 10 मांगों पे मैं चर्चा करने के लिए तैयार हूँ, एक एक पे, कि आपकी किस मांग को नहीं माना गया जिसके कारण से आपने ये कदम उठाया, आप बताएं तो सही कि सरकार ने आश्वासन दिया था, सरकार ने नहीं किया। आपका सवाल हो गया सर, अभी जवाब आने दीजिए प्लीज, बोलिए। जी दिनेश जी, मैं स्टेप वाइज एक एक आपको घटना का जिक्र कर रहा हूँ, उसमें आप नोट करते रहिए। ईश्वर सिंह वाले मामले में एक आरएम लाइसेंस पेंडिंग है, सीबीआई की जांच पेंडिंग है, क्योंकि 1.25 साल से अभी तक इस केस में क्या बोलते हैं उसको, चलान भी पेश नहीं किया पुलिस ने 1.25 साल से।
और जो नौकरी दी गई है कॉन्ट्रैक्ट बेस पे दी गई है, जबकि वो पक्की नौकरी की बात है ना, परमानेंट जॉब की। देखिए हरियाणा के अंदर स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एक बना हुआ है, उसके नियम कायदे कानून है, उसके अलावा सरकार जो नौकरी दे सकती है वो अनुबंध के आधार पर दे सकती है। देखिए पक्की नौकरी नहीं सरकार दे सकती, नियम कायदे कानून से सरकार नहीं बिल्कुल ही नहीं है पावर है, नियम कायदे कानून है उसके आधार पर, उसके आधार पर अनुबंध के आधार पर नौकरी दी जा चुकी है जो सरकार दे। जहां तक लाइसेंस की बात है, ये जो लाइसेंस है भिवानी के हलुवास हलुवास गांव के लिए कहा गया था, उस गांव में एक दिन के अंदर 4 लाइसेंस जारी किए, मतलब ऐसा कभी भी इतिहास में नहीं हुआ है, एक दिन के अंदर 4 लाइसेंस जारी करते हैं। और मांग ली गई और कुछ और क्या दो मांगे जी, दो मांगे हो चुकी है, आप संतुष्ट हैं जवाब से दिनेश जी? जी जी आप संतुष्ट हैं जवाब से बीजेपी प्रवक्ता के जवाब से? नहीं सर मैं वही कह रहा हूँ, संतुष्ट कैसे होगा सर, इसमें कंपनसेशन का जो लेटर आना था सीएम हाउस से, सरकार ने हमसे बातचीत करना ही बंद कर दिया अप्रैल महीने से। और ईश्वर सिंह जी के मामले में जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है उसमें भी उनकी जो हत्या नहीं हुई है वो हार्ट अटैक से अभी दलितों का क्या कुछ कहना है इतना बड़ा फैसला लिए जाने के बाद, ये विस्तार से सुन लीजिए प्लीज, एक बार पूरी बात सुन लीजिए। दिनेश जी बोलिए। बिल्कुल जी सर, इसमें देखो उन्होंने सुसाइड किया था अपने भ्रष्ट सीनियर अफसरों के कारण, और सुसाइड नोट में उन्होंने सारा कुछ लिखा था कि किन लोगों ने साजिश के तहत मुझे फंसाया था, और बिना मतलब को 3 महीने जेल में रहना पड़ा, बाद में उन्होंने सुसाइड नोट लिख के सुसाइड किया था 3 महीने बाद। और इसमें जो सीबीआई इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसमें बड़े बड़े भ्रष्ट अफसर फंसे हुए हैं, उस टाइम का जो जीन का तत्कालीन डीसी था उसने एक ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को ठेका दिया था जो हरियाणा सरकार द्वारा ब्लैकलिस्ट था, और गुड़गांव में उसके ऊपर 2 मुकदमे दर्ज थे, बावजूद उसको यहाँ पे फर्जी तरीके से कॉन्ट्रैक्ट दिया गया उसको ठेकेदार को, और वो डीएफएससी की साजिश के तहत उसको यहाँ पे ठेका मिला था, इसलिए इसमें सीबीआई की जांच की मांग कर रहे हैं क्योंकि 7.25 साल से भी तुरंत पेश भी नहीं किया। दिनेश जी आप पर ये भी सवाल उठ रहे हैं, आरोप लग रहे हैं कि आप राजनीति से प्रेरित हैं, क्या सर राजनीति से प्रेरित हैं आप, ये आरोप लग रहे हैं आप? देखिए सर ये सत्ता पक्ष के लोगों का ही काम होता है, कौन सी राजनीति से प्रेरित है कोई मुझे बताएगा एक बार? शहीद की नौकरी के लिए हम आवाज उठा रहे हैं, 3 साल से एक परिवार नौकरी के लिए नौकरी तो दे दी है, शहीद परिवारों ने अलग किस है, शहीद परिवारों में भी नौकरी दी है, कौन से शहीद परिवार की बात कर रहे हैं आप बताइए? 70 सुनिए 70 गांव का डिस्ट्रिक्ट जिन में 70 गांव है, 20 मार्च 2015 को शहीद हुआ था वो, आज तो उसके नाम से स्मारक पार्क नहीं बनाया गया, उसको नौकरी नहीं दी गई है। देखिए केंद्र सरकार की योजना के हिसाब से जो कुछ उनको देना है, जितना पैसा देना है, जो जो सुविधाएं देनी है वो केंद्र सरकार सारी दे चुकी है, केंद्र का मसला है ना, सरकार ने तो राशि भी बढ़ाई है और राज्य सरकार का अलग से प्रावधान क्या वो दे दिया गया, नौकरी की और स्मारक की डिमांड हम लोगों ने रखी इसके अंदर, दोनों रियासत पूरी नहीं हुई 3 साल से। संदेश शर्मा जी देखिए शिकायतें सुनिए, एक छोटा सा सवाल मेरा आपसे, शिकायतें इन लोगों को है आपसे दिनेश जी ने जो जो बताया, साथ ही विपक्ष का आरोप ये है कि आप लोग संवेदनहीन है इस मामले में। कैसे संवेदनहीन है, मैं कह रहा हूँ आप सुनवाई नहीं कर रहे हो, संवेदनहीनता क्या है? देखिए आप संवेदनशीलता और संवेदनहीन की बात मत करिए रंजीता जी, अगर आपकी संवेदनशीलता के मैं चिट्ठी खोलूंगा तो आपको पता है, मैं कह रहा हूँ दलित आप मत करो ना, मैं तो सवाल का जवाब दे रहा हूँ, आप तो बीच में बोलने लगे, आप सवाल करने लगे तो मैं आपके सवालों का जवाब आपसे प्रश्न पूछ के करूंगा। देखिए ये जो 10 बातें हैं इनमें से जितने मुद्दे हैं उन्होंने खुद माना है कि हाँ नौकरी दी है, अब जो हरियाणा सरकार की पॉलिसी है उसके आधार पर नौकरी देंगे, हमने दी है। जहां तक लाइसेंस की बात है, छात्र गांव के अंदर ये आसन गांव के दलित परिवार की लाइसेंस मांगा था, वो लाइसेंस सरकार ने जारी कर दिया है। एक हांसी के थाना के एक घटना के बारे में कहा है, उस घटना के अंदर जितनी उसकी रिपोर्ट आई है उसके आधार पर जिसके खिलाफ कार्रवाई बनती थी उसके अंदर कुछ झूठे मामले थे, वो सारी रिपोर्ट ऑन रिकॉर्ड है, देख सकते हैं। मतलब जितने भी मामले इन्होंने कहे हैं हर मामले में, एक इन्होंने कहा है कि ये भाटला के दलित के सामाजिक बहिष्कार और भाईचारा, इसमें भी कोई ऐसा मामला आया नहीं है जिसके कारण एक सुबे सिंह के ड्यूटी के दौरान जो शहीद हुआ था 1985 के अंदर जब उनका बच्चा 1 साल का था, 1985 में हमारी सरकार नहीं थी, कांग्रेस की सरकार थी। संजय जी आप कह रहे हैं सारी मांगे हमने मान ली है, फिर ऐसा क्यों किया गया है? ये तो वो बताएंगे ना, मुझे लगता है सरकार की जो चीजें हैं वो केंद्र सरकार अलग से मान रही है, नहीं वो करती ना, दूसरी तरफ आप खुद ये कह रहे हैं, आप खुद मान रहे हैं कि भाई हम इस चीज़ केंद्र सरकार भी, केंद्र सरकार भी देश की सरकार है, पूरे आप इन चीजों से मानते हैं कि आपकी एचपीएससी है
आपने संस्थाएं बना रखी, इंस्टीट्यूशन बना रखे हैं, तो आप क्यों झूठे वायदे करते हैं? हमने कहा ना, लोगों के साथ क्यों झूठे वायदे करते हैं? दिनेश खापड़ 29 दिनों तक लगातार भूख हड़ताल पर बैठते हैं, लगातार वो पैदल चल के चंडीगढ़ तक आते हैं, चंडीगढ़ में जब वो यहाँ सचिवालय के पास आते हैं तो आप जो है उनको उठवा देते हैं। सुनिए, और लगातार जो उत्पीड़न मैं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, देखिए विजय जी, उन्होंने जो डिमांड की नौकरी मिलनी चाहिए ईश्वर जी के जो हत्याकांड तथाकथित है, हालांकि जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है उसके मुताबिक वो हार्ट अटैक से मरे हैं। लेकिन सुनिए, किसी ने कुछ लिख के छोड़ा है, उससे ज्यादा ऑथेंटिक ये होगा कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में क्या आया। लेकिन इसके बावजूद सरकार संवेदनशील होने के कारण से ही जो नियम है, अब जब कोई आंदोलन करता है, कोई करता है, तो उनको जो आश्वासन देंगे उसके आधार पे नौकरी दी है, लेकिन नौकरी नियम और कायदे के अनुसार से देंगे ना। हरियाणा सरकार के हाथ में अनुबंध की नौकरी है, हमने अनुबंध की नौकरी दी है। रंजीता जी, एक तरफ संजय शर्मा जी कहते हैं कि सारी मांगे मान ली गई है, दूसरी ओर कुछ मांगों को लेकर ये भी कहते हैं कि ये अपने आप में पूरी तरह से ठीक नहीं है। मुझे एक बात बताइए, अभी ये कह रहे हैं कि जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है वो कह रही है कि हार्ट अटैक है, क्या हार्ट अटैक सिर्फ एक बीमारी की वजह से आता है? क्या हार्ट अटैक किसी दिमाग दिल पे बोझ पर डॉक्टर जब इंसान को लगता है कि वो डिप्रेशन से गुजर रहा है? संजय शर्मा सुनने का मादा रखिए, जब एक इंसान लंबे समय तक एक डिप्रेशन से गुजरता है तो उसको पूरा लिखेगा हार्ट अटैक से पहले कोई लिख कर जाएगा? कभी नहीं जाएगा। देखिए मुझे, क्या हार्ट अटैक से पहले इंसान कुछ लिख सकता है? नोट लिखा है, बताइए। मैं यही कह रहा हूँ, अगर उसने रामजी बोल रहे हैं, अगर उसने सुसाइड नोट लिखा है तो उसने आत्महत्या की है, ये गलत रिपोर्ट है कि बयान जी बयान कर रहे हैं हार्ट अटैक, बिल्कुल गलत बोल रहे हैं ये। आप ये देखिए कि ये सिर्फ हरियाणा का मामला नहीं है, जब योगी की सरकार वहां पे बनी है वहां पे मुरादाबाद में भी 50 लोगों ने धर्म परिवर्तन किया। जी एक बात बताइए, जो मांगे हैं दिनेश जी की या जो लोग बैठे थे धरने पर धर्म परिवर्तन किया, संजय जी के पास तो सारे जवाब हैं। सारे कहाँ भी हैं? जो तीन साल से शीत को नहीं नौकरी मिली उसका ये जवाब ही नहीं दे रहे। सिर्फ ईश्वर तथ्य के साथ बात, सिर्फ ईश्वर सिंह को मैं कह रहा हूँ, ये सिर्फ ईश्वर सरकार की पॉलिसी है, उसके आधार पे नौकरी देंगे ना। बता रहे हैं कि हमने कॉन्ट्रैक्ट जॉब दे दी, संविधान को तीन साल से शहीद हुआ है उसको नौकरी आज तक नहीं मिली, उसका जवाब ही नहीं दे रही है। बताइए संजय जी, इसका जवाब दे दीजिए। तीन साल से जो शहीद हुआ है उसके परिवार को आज तक नौकरी नहीं मिली, उसका जवाब दीजिए। कौन शहीद हुआ है? चलो अभी इनको यही नहीं पता, बताइए किसकी बात कर रहे हैं? नहीं नहीं, ऐसे नहीं, शहीद तो बहुत हुए हैं, किस शहीद की बात कर रहे हैं? जम्मू कश्मीर में कौन से शहीद? दलित की बात कर रहे हैं? किसकी बात कर रहे हैं? दलित व्यक्ति शहीद हुआ था, हमारा जवान शहीद हुआ था जी, उसकी नौकरी तीन साल हो गए उसको। जींद के छात्र गांव के शहीद हैं सतीश कुमार जी, जो बॉर्डर पे शहीद हुए थे, उनके जो परिवार के सदस्य को या उनके परिवार को जो भी सरकार की ओर से सहूलतें दी जाती है, चाहे वो पैसे के रूप में, नौकरी सर मिल जाए, उसके नौकरी का प्रावधान उसके अंदर नहीं है। देखिए नौकरी का प्रावधान किसी भी ऐसे शहीद के लिए नहीं है, सरकार ने पॉलिसी बनाई हुई है। ऐसे कौन सा शहीद है? कौन सा शहीद के लिए सर? आप किसके लिए? किसी भी शहीद के लिए नौकरी का प्रावधान नहीं है। कैसे कह रहे हैं आप? नहीं, मुझे ये बताइए कि बॉर्डर पे ऐसा कौन सा शहीद है जिसके बॉर्डर पे जो शहीद हुआ उसके परिवार को नौकरी दी, ऐसे कितनी घटनाएं हैं बताइए ना आप। सरकार ने 50 लाख रुपए देने की जो बात हुई है वो सरकार की जो सुविधाएं हैं वो सारी सुविधाएं सरकार ने दी है, नौकरी देने का कोई प्रावधान उसके अंदर नहीं है। जो यही तो मांग सर, यही तो मांग बता रहा हूँ, यही तो मांग थी ना, प्रावधान कीजिए। प्रावधान हम नहीं कर सकते ना, वो केंद्र सरकार का एक महकमा है, वो पैरामिलिट्री फोर्सेज है। पैरामिलिट्री फोर्सेज सारी मांगे मान ली गई, और दूसरी ओर आप इस बात को नेगोशिएट करने की कोशिशें करते हैं उन्हीं मांगों को लेकर कि ये यहाँ तक संभव है, इसकी यहाँ तक सीमाएं हैं, तो क्या ये विरोधाभास नहीं है मांगों को लेकर? मुझे ये बताइए ज्योति, कोई आदमी कहेगा कि आसमान से तारे तोड़ के ला दो नहीं तो मैं धर्म परिवर्तन कर रहा हूँ, कौन लाग देगा आसमान से तारे? मेरी बात सुनिए, देखिए जो जायज बातें हैं, देखिए जो जायज बात है, जायज बात का जवाब दीजिए। जो उनकी मांगे थी
क्या वो पूरी होना संभव नहीं था, क्या वो जानकारों की बात थी सर? देखिए जिस बात पे चर्चा मैं बता रहा हूँ, लाइसेंस जारी होने की बात हुई तो लाइसेंस जारी कर दिया, शहीद के जो चूज कर लिया ईश्वर जी ने सब हमने कर दी, जो मैं सारी बातें बता रहा हूँ ना उस पे हम बात कर रहे हैं। नेता जी, क्या सरकारों को सभी मांगे मान लेनी चाहिए? आपका ये स्टैंड है मांग सरकार को सभी मांगे मान लेनी चाहिए, नहीं मिलेगा सरकार या पिछली कांग्रेस सरकार, क्या सभी मांगों को आप लोग मांग रहे हैं? जो मांगे हम आश्वासन देते थे वो मानते थे। 8 मार्च से पहले इनके मंत्री दलित मिला दिया आपने, योगी राज में सहारनपुर में मुरादाबाद में लोग धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, 8 मार्च जब ये बोला बंदो जी की तो मैं बोलूंगी, 8 मार्च को सीएम साहब ने जब ये माना कि आपकी सारी मांगे जायज हैं और हम इनको मानेंगे, हमें 15 दिन का टाइम दीजिए, उसका मतलब क्या होता है? ये सवाल हो सकता है कि आश्वासन देने की मजबूरियां क्या है सरकार के सामने? आप उसी समय कहते थे कि जायज नहीं है। एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, आएंगे जो कि राम जी सवालों का सिलसिला जारी रखेगा इसी विषय पर, क्या दमन है या फिर दबाव की राजनीति है, ब्रेक के बाद। तो यह दलित दमन है या फिर दबाव की राजनीति, इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि 113 दिनों तक दलित समुदाय के कुछ लोग धरने पर बैठते हैं, जब उन्हें ये मालूम होता है कि सरकार सुध नहीं ले रही तब वो दिल्ली में जाकर धर्म परिवर्तन कर लेते हैं, बौद्ध धर्म अपना लेते हैं, इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। जोगीराम जी आपके पास आना चाहेंगे, जोगीराम जी क्या लगता है कि दलित एक मुद्दा भर रह गए हैं? देखिए, एक तो हमारे साथी संजय शर्मा जी का ये कहना कि अभी तो हार्ट अटैक से डेथ हुई है उसकी, क्या किसी को पता है भी हार्ट अटैक होने वाला है, मैं सुसाइड नोट लिख के चला जाऊं, सुसाइड नोट, और उसको कल को ये भी कह देंगे कि ये तो झूठा ही सुसाइड नोट, सुसाइड नोट का क्या? देखिए जांच का विषय है, दोनों ही तरफ से जांच का विषय है, सुसाइड नोट ही झूठा है। फिर ये मैं नहीं कह रहा हूं झूठा हूं, लेकिन वो प्रूव हो गया क्या? नहीं वो तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट तो आ चुकी है, इसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो आ चुकी है, लेकिन वो तो नहीं प्रूव हो देते हैं। दूसरा इनका कहना कि अनुबंध पर लगाया है, कारगिल युद्ध में एचसीएस भी लगे हैं, क्या एचपीएससी से लगे हैं, कहीं से लगे? गवर्नमेंट किसकी बात कर रहे हैं? गवर्नमेंट की डिस्क्रिप्शन है, किसकी बात कर रहे हैं? अगर आश्वासन दिया उसको, दूसरे मामले में, दूसरे मामले के साथ जोड़िए, अगर आश्वासन दिया है तो रेगुलर पोस्टिंग का ईश्वर सिंह जी के मामले में, शर्मा जी सुनिए, अगर आश्वासन दिया है तो रेगुलर पोस्ट का होता है, ना कि अनुबंध का। अनुबंध का तो कल को कोई भी हटा देगा उसको, उसको सर्विस का क्या हुआ? सरकार के पास जो अधिकार है वही करेगी ना? नहीं, सरकार के पास अधिकार है, सरकार के पास डिस्क्रिप्शन है, वो कैबिनेट से अप्रूव करा सकती है, किसी पोस्ट के लिए करा सकती है, आज भी स्पोर्ट्स के लिए कर लेते हैं, ये दूसरे हैं उनके लिए कर लेते हैं, डीएसपी एचसी सारे लगते हैं और शुरू में लगते आए हैं। अगर किसी एम्प्लॉई की सर्विस के दौरान डेथ हो जाती थी, उसके डिपेंडेंट को सर्विस मिलती थी, रेगुलर मिलती थी और उसी दिन से मिलती थी, या तो आश्वासन ना दे, और आश्वासन दे आगे बढ़ेंगे चर्चा में। संजय शर्मा जी बहुत सीधा सवाल है जो मैं पहले भी दो बार बोल चुकी हूँ, कोई इनकी सच्चाई पे विश्वास नहीं करता, बार बार ये बुला लेते हैं उन लोगों को और आके आश्वासन देते हैं और बाद में सो जाते हैं। संजय शर्मा जी आपसे सीधा सा सवाल ये है कि सरकार का स्टैंड क्या है मांगों को लेकर, क्या मांगे मान ली या फिर कुछ मांगे वो थी जो सरकार नहीं मान सकती, बहुत सीधा जवाब दीजिएगा। देखिए ज्योति जी, जो मानने लायक मांगे थी वो लगभग सारी सरकार ने मान ली है। आश्वासन क्यों दिया? मान ली है, मैं कह रहा हूँ मान ली है, लेकिन जो मांगे ऐसा नहीं होता। देखिए जोगी राम जी, जब कोई मांग पत्र होता है ये नहीं होता कि 100% वो सारी बातें उनकी भी ठीक होती है, सारी बातें आप उन मांगों को बताइए जो जायज आप नहीं मानते। मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे ईश्वर सिंह जी की मौत का मामला, ईश्वर सिंह जी की मौत का जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है उसमें उनका हार्ट अटैक आया है, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार ने उनके परिवार में अनुबंध के आधार पर नौकरी दी है। जो बात कही है जींद के सिपाही सुबे सिंह जी की नाइट ड्यूटी के दौरान 985 मौत की, उसमें हमारी सरकार दी थी, उस समय की सरकार ने ये करना चाहिए था लेकिन उन्होंने नहीं किया। लेकिन जब वो 18 साल के हुए, उनका बच्चा उस समय 1 साल का था, लेकिन जब बच्चा 18 साल का हुआ तो कांग्रेस की और हुड्डा की सरकार थी हरियाणा के अंदर, और इंडियन नेशनल लोक दल की सरकार थी। 2003 में 18 साल का हुआ, लेकिन ना तो हुड्डा की सरकार ने उनको नौकरी दी, ना इनेलो ने उसको सरकार ने नौकरी दी। सुनिए ना, 18 साल के बच्चे को नौकरी दी जाती है, 19 साल में दे देते कांग्रेस वाले, दे देते कांग्रेस के लोग, अगली बात जो लाइसेंस की बात है, लाइसेंस जारी कर दी। लेकिन एक बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, आप ये बात मानोगे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ऐसी हरियाणा में जो नौकरियों में बैकलॉग को भर रही है, जिस सरकार ने सफाई कर्मचारी आयोग बनाया, जिस सरकार ने हरियाणा के अंदर अनुसूचित जाति आयोग बनाया, महापुरुषों का सरकारी स्तर पर सम्मान करना, उनकी जयंती मनाना, चाहे गुरु रविदास जी हो, चाहे भगवान वाल्मीकि जी हो,
चाहे अंबेडकर जी हो, चाहे संत कबीर जी हो, इन सबकी जयंतियों को सरकारी स्तर पर मनाने हमारी सरकार ने किया। सबसे ज्यादा दलित एमपी अगर किसी पार्टी के हैं तो भारतीय जनता पार्टी के इस देश के अंदर जींद के अंदर रानी तलाब पर 22 लाख रुपए की अष्टधातु की स्टैचू भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई है। बनाई है ना, संघर्ष तो आपने कांग्रेस की सरकार में भी किया होगा। मैं कह रहा हूँ ये हम लोग कह रहे हैं ना, हमने आपके सर नहीं लगाई। संजय शर्मा जी, बैकलॉग भरने की बात हो, अनुसूचित जाति के आयोग की बात हो, या अंबेडकर और बाकी जितने भी महापुरुष हैं इस समाज के, उनकी जयंतियां मनाने की बात हो, ये सारी तथ्यात्मक हैं, बीजेपी ने शुरू की। लेकिन इन छोटी जो मांगे नजर आती है शुरुआती तौर पर, उनको सरकार मानती नहीं, धर्म परिवर्तन करवाना पड़ जाता है क्या? सरकार केवल मात्र राजनीतिक हवा दी जा रही है, इसके राजनीतिक लाभ लेने की बात नहीं, इसके अलावा और कुछ नहीं है। गुजरात में आपकी सरकार थी, ऊना में आपने देखा किस तरह से धर्म परिवर्तन वहां पर भी हुआ, एक दलित ने किया। ऊना प्रकरण एक नहीं, ऊना प्रकरण दो हुआ है सर। वो मारपिटाई के मैं गुजरात के बारे में मुझे नहीं जानकारी, मैं गुजरात का प्रवक्ता नहीं। देखिए क्या हुआ, किस तरह से हुआ, बीजेपी की सरकार। कमल जी मैं ये बात कह सकता हूँ, उदाहरण दे रहा हूँ। हाँ नहीं, आप ठीक उदाहरण दे रहे होंगे, लेकिन मैं ये बात कहना चाहता हूँ जो अभी बात मेरे मित्र ने कही, दलित विचारक ने, कि भारतीय जनता पार्टी की और सरकार ने लंबे संघर्ष के बाद किया। कांग्रेस ने तो 60 साल में नहीं किया, हमने कम से कम 4 साल के अंदर कर दिया। संघर्ष के कारण से किया, क्या किसी कारण से किया? इसका मतलब यह है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार संवेदनशील है, आपके अधिकारों को समझती है, आपकी मांगों को समझती है। इस बात के लिए आपको शाबाशी देनी चाहिए सरकार को। कांग्रेस ने क्या, मुझे बताइए, 60 साल में भी आपने ऐसा नहीं किया, इस बात में कोई तात्पर्य नहीं है। कोई फायदा नहीं आपके तर्क देने का। रंजीता जी, एक पॉइंट है, शर्मा जी कह रहे हैं, रंजीता जी के पास जाना चाहिए, एक मिनट अपना पॉइंट बताइए। हाँ। क्या आपने दलित एमपी जनरल को जनरल कैटेगरी के अगेंस्ट बनाया? हाँ, जनरल से ही बनाया, दलित के अगेंस्ट बनाया। लेकिन इसके बावजूद अगर दलित कह रहे हैं कि हमने, अगर भाजपा के दलित जीत करके आ रहे हैं, इसका मतलब है कि इलेलो और कांग्रेस के दलितों को लोगों ने टुकड़ा दिया। मैं यही कह रहा था, जनरल से आए आपके तो नहीं जीते ना, आपके लोग तो उसी को नहीं जीते। इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी को दलितों ने पसंद नहीं किया, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के हमारे पास सीमित है। देखिए उसमें चर्चा करनी है, बड़ा ही विषय है। रंजीता जी, वीरेंद्र सिंह ये कहते हैं कि आजादी है सबको धर्म परिवर्तन कर लेने की। वीरेंद्र सिंह की बात कर ली जाए, वो शख्स है 42 साल तक आपकी पार्टी में रहे, वो जींद की राजनीति करते रहे, जींद में लोग धरने पर बैठते हैं, धर्म परिवर्तन की चेतावनी दी जाती है, उसके बाद मंत्री जी कहते हैं कि सबको आजादी है। मैं यही तो दुर्भाग्य मानती हूँ कि वहां की उचाना सीट से जब वो इलेक्शन लड़ते हैं और जीतते हैं, तो क्या इतने दिनों तक उनकी और उनकी धर्मपत्नी को लघु सचिवालय के बाहर ये लोग बैठे नजर नहीं आते? और उसके बाद इतना हल्का बयान देना कि सबको आजादी है, कोई आर्य समाज ज्वाइन करता है, कोई ये ज्वाइन करता है, तो आप देख सकते हैं कि इसमें रंजीता, इसमें गलत भी क्या है? नहीं, गलत कुछ भी नहीं है, पर अगर आप वहां के नुमाइंदे हैं, अगर वहां के आप नुमाइंदे हैं, बिल्कुल अगर आप नुमाइंदे हैं और आप सत्ता पक्ष में हैं, तो आपका फर्ज बनता है कि आप उन सब समुदायों के पास जाएं, उनकी जो भी समस्या है उसको आप सरकार में रखो, उसको मनवाएं, ना कि आप इस तरीके का हल्का बयान देकर उनके तकमों के नमक छिड़के। आप ये देखिए कि ये केवल जो चीजें हो रही है वे हरियाणा में नहीं हो रही, बाकी जगह पे भी जहां जहां भी बीजेपी की सरकार है वहां भी ये हो रहा है। दूसरा सवाल इसलिए उठता है कि दबाव की राजनीति होगी कहीं ना कहीं। आज ये मांगे अगर इस तरह से सामने आती है, और कल को और भी लोग सामने आएंगे, वो भी कहेंगे हम तो धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, हमारी मांगों को माना जाए। मैं ये बता रही हूँ, जो ये पूरा इनसिक्योरिटी का माहौल बना हुआ है, क्यों बना हुआ है? SC ST एक्ट के अंदर जो इनके पास एक सुरक्षित चीज थी, वो छीनने का काम अगर किसने किया है, वो भाजपा सरकार ने किया है। बातें कर रहे हो, वो उस चीज को लेकर क्या बात कर रहे हो? क्यों झूठ बोल रहे हो? क्यों कहां झूठ बोल रहे हैं? क्या झूठ बोल रहे हो? आपने नहीं उठाया, क्यों झूठ बोल रहे हो? क्यों झूठ बोल रहे हो? नहीं किया, किसने क्या किया? आपको ये नहीं पता कि केस क्या है? आपको ये पता नहीं मुद्दा क्या है? आप क्या बहस कर रहे हो? सुप्रीम कोर्ट थी, क्या सुप्रीम कोर्ट में किसी का प्राइवेट बिल था? सरकार ने क्या किया उसमें? क्या बात कर रहे हो? झूठ बोल रहे हो? लोगों को गुमराह क्यों कर रहे हो? नहीं नहीं, किसी गुमराह के कारण से आपने देश के अंदर दंगे करवाए, ये कांग्रेस की चाल है, ये कांग्रेस की चाल है। विजय कुमार जी, क्या ये कांग्रेस की चाल है? अगर सत्तासीन पार्टी ये कह रही कांग्रेस की चाल है, बताइए विजय कुमार जी।
देखिए अगर हम पूरा का पूरा प्रकरण को देखना चाहते हैं तो 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जो हैं वो बुद्धिज्म को एम्ब्रेस करते हैं। हाँ। बुद्धिज्म को एम्ब्रेस करने की जरूरत क्या पड़ती है बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को? 1934 में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि मैं हिंदू के रूप में पैदा हुआ हूं, ये मेरे बस की बात नहीं थी, परंतु मैं हिंदू के रूप में मरूंगा नहीं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर विश्व का सबसे ज्ञानवान व्यक्ति अगर इस तरह के शब्दों का प्रयोग कर रहा है तो भारत के लोगों को सोचना चाहिए। आप ये नहीं कह सकते फिर पैनल पर विजय कुमार जी, आप पैनल पर ये नहीं कह सकते कि कांग्रेस से सवाल नहीं करेंगे, सिर्फ बीजेपी से सवाल करेंगे। कांग्रेस उस वक्त सत्तासीन थी, मंत्री के पद से वो इस्तीफा देते हैं, 3 लाख लोगों के साथ परिवर्तन करते हैं। ये वही कांग्रेस है जो आजादी के बाद पहला चुनाव होता है तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को हराने के लिए उनका जो एक सेवादार व्यक्ति था उनको बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के खिलाफ खड़ा कर देती है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि आप दोनों हितैषी बनने की कोशिश बेशक ना करें, ठीक है। दूसरी बात मैं कहूं कि अगर हम कहते हैं कि भाई साहब ने कहा कि भाई हमने बैकलॉग को पूरा कर दिया, उसके बारे में आपको तात्पर्य नहीं है, आपको हमने शुरू कर दिया, हमारे लिए तात्पर्य हो गया, ये गलत बात है। समय नहीं रहेगा ना जवाब देने का, मुझे दीजिए पूरा किया। दर्शक नहीं सुन पाएंगे, बैकलॉग की बात बता रहा हूँ मैं। जींद में रैली करते हैं मुख्यमंत्री साहब और वाल्मीकि समाज की वो रैली करते हैं तो उसमें बहुत से मेरे साथी गए हुए थे, जब उन लोगों ने सुना और घोषणाएं क्या की कि भाई आप लोगों को जो ठेके दलित समाज के जो बैकवर्ड जो वाल्मीकि समाज है वाल्मीकि समाज को सारे ठेके दे दिए जाएंगे। चलिए भाई हमें ठेके नहीं चाहिए, हमें सरकारी नौकरियां चाहिए। दूसरी मैं जो बात रखना चाहता हूं, कुल मिलाकर दूसरी बात कुल मिलाकर कुल मिलाकर हम उन नहीं वो मांग पीछे नहीं विजय जी वो मांग पीछे ना छूट जाए जिनके लिए हम डिबेट कर रहे हैं, वो मांग पीछे ना छूट जाए। मैं वही कह रहा हूं जो डुमर खां में बात कर रहे हैं, डुमर खां दलितों को जो है वहां पर हवन किया जाता है और हवन करते वक्त वहां पर दलितों को हवन में घुसने नहीं दिया जाता, उनका बायकॉट किया जाता है। से मंत्री जी आते हैं और वही उनकी ओर से कहा गया कि आजादी है। आगे बढ़िए दिनेश जी हमारे साथ। दिनेश जी इस तरह की घटनाएं घट रही है, उन चीजों के लिए हमें समझना पड़ेगा। दिनेश जी आपके पास आना चाहिए, दिनेश जी हमारे साथ फोन पर जुड़े हुए हैं। आप रुकिए ना, रुकिए सर, रुकिए सर, रुकिए। दिनेश जी आपके पास आना चाहेंगे, जिस तरह से संजय शर्मा जी कह रहे हैं कि जो जो उनके बस की बात थी वो तो उन्होंने कर दिया, और अब आप आगे क्या करेंगे? क्या धर्म परिवर्तन करने के बाद आपकी लड़ाई खत्म हो जाएगी? लड़ाई कंटिन्यू जारी है, और जो मैं बीजेपी के जो नेता हमारे आप लोगों के स्टूडियो में बैठे उनसे बात पूछना चाहता हूँ। पूछिए। अभी उन्होंने कहा कि अनुबंध के आधार पर नौकरी दे दी गई है वाले मामले में। हाँ जी। तो जो जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान जो लोग मारे गए थे उनके परिवारों को कैबिनेट में पास करके परमानेंट जॉब दी गई है, तो हम दलितों के साथ एक्टिविटी दूं संजय जी जवाब दीजिए। नहीं ऐसा ऐसा नहीं है, मैंने पहले भी ये बात कही है कि अभी ईश्वर सिंह जी का जो हत्या या आत्महत्या है वो नहीं हुई है, क्योंकि हम उनसे पूछ लेते हैं, कर सकते थे उनसे पूछ लेते हैं, इतनी सरकार कर सकती थी, सरकार ने वो किया, इससे आगे जाने का नहीं है। देखिए अगर कैसे जब उनका प्रूव ही नहीं हुआ कि वो आत्महत्या है कि हत्या है, कैसे दे देंगे? जो दे सकते थे वो दिया है। दूसरी बात अभी जो विजय जी कह रहे थे, देखिए उन्होंने कांग्रेस को सेफ रास्ता दे दिया, 60 साल नहीं आपने कह दिया, आप इस बात को सुनते जैसे कि कह रहे संजय शर्मा जी, वो हत्या थी या हादसा था? सर वो आत्महत्या थी, लेकिन आत्महत्या के लिए मजबूर किन लोगों ने किया, उसमें कौन कौन लोग शामिल थे, वो सारा का चिट्ठा पत्र सुसाइड नोट में है। इसलिए परिवार की डिमांड थी, हमारी डिमांड थी कि उसमें सीबीआई की जांच हो। आप कह रहे हैं जी। संजय शर्मा जी कहते हैं कि जांच का विषय है, अभी जांच होने दीजिए, क्योंकि पीएम रिपोर्ट जो आई है पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट आई है उसमें ये है कि हार्ट अटैक के चलते मौत हुई है। क्या आप लोग नहीं चाहते कि जांच हो जाए, तस्वीर साफ हो जाए, उसके बाद आप लोग मांग करें और सरकार मांग मान ले? इतनी जल्दबाजी क्यों है? जांच अगर जारी है, जांच पूरी होने दीजिए, अनुबंध के आधार पर नौकरी की बात सरकार करती है, तब तक आप लोग नौकरी जी अनुबंध के आधार पर नौकरी दे दी है। दिनेश जी जी आवाज आप तक पहुंच पा रही है ना?
जवाब दीजिए सर। हेलो, आपको जांच का इंतजार क्यों नहीं है सर? बात ये सवाल ये है कि जल्दबाजी क्यों? अभी जांच पूरी होने दीजिए ना। सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन एससीआईटी एक्ट को लेके आया था वो 20 मार्च को आपको पता है की बात कर रहे हैं। लेकिन केस हमारे सुनो, हमारे जो केस में एससी एक्ट लगा था इस केस में भी, और एससी एक्ट लगने के बावजूद भी जो आरोपी थे वो अग्रिम जमानत लेने के लिए कामयाब हो गए हाईकोर्ट से। नहीं, उसमें सरकार का क्या है? तो फिर इतनी परेशानी क्यों होती है? विपक्ष भी साथ दे देता है फिर समुदाय का? जोगीराम जी, नहीं, मेरा मतलब यह है कि जांच का विषय शर्मा जी कह रहे हैं, जांच का कोई लिमिट तो होती है, कब तक होनी चाहिए? महीने में होनी चाहिए, दो महीने, सवा साल तो उस केस को हो गया, कब तक जांच आप करेंगे? चलिए ठीक है, जब सुप्रीम कोर्ट की ओर से गाइडलाइंस दी गई, सरकार ने रिव्यू पिटीशन लगा दिया, उसके बाद ये कहते जांच का विषय जांच। दिनेश जी कुछ कहना चाहते हैं जो जल्दी हो गया? दिनेश जी बोलिए सर। पूरे केस की जांच करके ऑलरेडी क्राइम ब्रांच ने फाइल तैयार करके रखी है, अब आप हैरान रहेंगे सुन के कि जांच रोक कर आ रखी है। जो सुसाइड नोट मेरे अंकल जी ने लिखा था आज तक वो मधुबन लैब में पड़ा है ये टेस्ट करवाने के लिए कि वो उनकी हैकिंग है या नहीं, जांच क्या है? सवा साल से आज तक वो सुसाइड नोट सरकार ने थोड़ी रोका है, सरकार ने संदेश थोड़ी दिया। सरकार किसी भी मामले को जांच को कभी नहीं रोकती, जांच सरकार चाहे तो शुरू कर सकती है ना, सरकार चाहे तो मधुबन लैब में सुनिए एक बार के लिए उसकी पड़ताल तो सरकार करवा सकती है ना सर, ये अधिकार तो सरकार के पास है। मैं कह रहा हूँ कि जिन मामलों के बारे में कह रहे हैं, एक ही मामले की आप इसकी चर्चा कर रहे हैं, इस मामले के अंदर जो जांच है वो प्रक्रिया में चल रही है, आएगी उसकी जांच का जो रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर सरकार काम करेगी। सरकार क्यों रोकेगा? सरकार का इसमें इंटरेस्ट क्या है? अभी तक हमने कहा कि सुसाइड नोट जो है उसकी हमने जांच नहीं कराई है, वो सवा साल से वैसे ही पड़ा है, हमने जांच नहीं कराई, ऐसा नहीं है, वो सुप्रीम कोर्ट की ओर से एससीएसटी एक्ट को लेकर। रंजीता मेहता जी देखिए रुके आएंगे आपके पास, गाइडलाइंस जारी की जाती है, सरकार चली जाती है अदालत में एक बार फिर से, फिर इसी विषय को लेकर, इसी मांग को लेकर इतना बड़ा फैसला जिनमें ये भी शामिल है। रंजिता जी आखिरी जवाब आपका। मुझे एक बात बताइए, 8 मार्च को जब इनका शीर्ष नेतृत्व गया था तब ये मामला भी बीच में था, तो क्या सीएम साहब ने तब ये कहा था कि ईश्वर सिंह मामला सेपरेट कर दीजिए क्योंकि इस मामले के अंदर भी जांच चल रही है? तब तो आपने ये कहा कि हम सभी मांगों को पूरा करेंगे और 15-20 दिन के अंदर हम आप पूरी मांगे कर देंगे। आप बार बार झूठ बोलते हैं, आप बार बार आश्वासन देते हैं। दिनेश जी बताइए आगे आप क्या करने वाले हैं अपनी मांगों को मनवाने के लिए? 10 सेकंड में जवाब दीजिएगा, समय की कमी है। दिनेश जी, दिनेश खापड़ जी आप हैं फोन लाइन पर, आगे की रणनीति क्या है? बहुत छोटा जवाब दीजिए। देखिए मैं एक बार दोबारा से आपसे सर तो बताना चाहता हूँ जो सुन रहे हैं यहाँ पे आपके स्टूडियो में, जी 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 जल्दी, कि हमारी मजबूरी क्यों बनी इन को लेकर के धर्म परिवर्तन करने की? जी हमने 23 दिन की भूख हड़ताल की 12 फरवरी से, आगे क्या करने वाले सर आप? चलिए ठीक है सर, शुक्रिया सभी का, हमने विस्तार से बताया उन मांगों को जिनको लेकर आप लोगों ने बड़ा फैसला लिया, तो सरकार ने आश्वासन क्यों दिया जब मांगे पूरी नहीं हो सकती थी, और सरकार ने अगर वक्त लिया मांगों को पूरा करने के लिए तो ये तरीका कितना जायज़? एक सवाल ये भी है कि जांच इतनी धीमी क्यों चल रही है, सरकार को इसके और भी ध्यान देना चाहिए। फिलहाल आज की चर्चा में इतना ही, नमस्कार।